नमस्कार, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाई स्कूल में मैं अध्यापिका श्रीमती सुवर्णा अशोक गवाने। आज हम देखेंगे कक्षा पाँचवीं का हिंदी का लेक्चर 6। हमारे टॉपिक का नाम है पहचान हमारी भाग 1। आज हम देखेंगे पहचान हमारी भाग 1। इसमें हम घटक देखेंगे चित्रों के आधार पर स्वरों की पहचान, व्यंजन, मात्रा वाले शब्द, अनुस्वार वाले शब्द। पहचान हमारी भाग 1। छह डफ, बछड़ा हथेली, डमरू फल अदरक, अनार दमकल, जलचर कटहल, आकाश घट हाथ, कछुआ शलगम घड़ी, टमाटर थपकी। पढ़ो। डर फर घर रत, शक शरद शहद, दशक आदर, कहकर अरहर, अशरफ अटककर, आह डाव छाछ थका, कथा हरा आशा, आका काका दादा, आहार शारदा शाकाहार फटकार। देखो और सुनो। ई ई ऊ ऊ इलायची, ईत छिपकली, साइकिल पायल, चारपाई सांप, उड़न खटोला ऊन जुगनू, चमगादड़ ढलान, गठरी चटाई, मकड़ी लकड़ी, ढाल ठप्पा। पढ़ो। यह नख उर आम, गठन शपथ, ऊपर चमचम, हमदम चमकम, चटपट फटक कर, आई माई जरा ईरा, रमा ढाका मामा नाना चाचा, आकाश कपड़ा दादरा, अचार इकहरा चारपाई, दीदी चुरा कुहू चिड़िया, शिकारी दीपिका, जामुन नुपुर दुरूह कुरु गुट्रू, शारीरिक पिचकारी। अब हम देखेंगे स्वर। स्वर यानि जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण होता है उसे स्वर कहते हैं। जिस वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा। अब देखेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना पूर्ण नहीं हो सकता उसे व्यंजन कहते हैं। देखो, जिन वर्णों का उच्चारण है वह स्वरों के सहायता के बिना पूर्ण नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानि क, क में कैसे कौन सा स्वर है? अ मिलाया हुआ है। ख ग घ च छ ज झ त्र ट ठ ड ढ न त, इसमें स्वर मिलाए हुए हैं। इसका उच्चारण स्वर के बिना अधूरा है। अब देखेंगे मात्रा वाले शब्द। रानी पुस्तक गुलाब, राजा सूर्य, डमरू वकील। अब देखेंगे अनुसार वाले शब्द। अंजीर मंदिर, संकेत रंग बंदर। ऐसे ही जो मात्रा वाले शब्द और अनुस्वार वाले शब्द है वह हमें पुस्तक में से देखने हैं। आगे के लेक्चर में हम पेटूराम यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।